Good morning to all my students. Welcome back to Creative One Mind Learning class. Today we are going to discuss chapter 4, Animal Kingdom. So, when we talk about the animal kingdom, then you know all animals are belong to animal kingdom. When we talk about the classification of animal, then on the behalf of body organization and on the behalf of type of circulatory system, type of reproductive system, type of coelom, type of body organization, they are divided into following categories. After that, when we talk about the level of organization, it means ki jo animal hai, unki body ka jo level of organization kya hai. You know, अगर कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सारे फंक्शन, फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द अमीबा इज अ प्रोटोजोअन एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो यू नो ऑल द फंक्शन ऑफ अमीबा इज परफॉर्म बाय द सिंगल सेल, लाइक द एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सारा का सारा जो फंक्शन है वो परफॉर्म होता है केवल एक सेल से या सेल्स के थ्रू परफॉर्म हो रहा है फंक्शन, ऐसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर या फिर सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसमें जो फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शन है वो परफॉर्म किए जाते हैं टिश्यूज से बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू. तो ऐसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर दैट ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग, तो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग जो आपका फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं वो पर्टिकुलरली एक उसमें बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सो मेनी सिस्टम आर इन्वॉल्व. सो दैट टाइम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अब इसके बाद जब हम बात करें आपकी क्लोज एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है ऑन द बिहाफ ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो क्लासीफाइड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, व्हेन ब्लड फ्लो इनसाइड द असिस्टमेटिक ब्लड वेसल्स, जो भी हार्ट ब्लड पंप कर रहा है वो एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक आपकी वेन्स में, आर्टरीज में, कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है. इट मींस जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है इनसाइड द ब्लड वेसल्स, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. एग्जांपल में सिंपल से एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, आपके मैन की बात करें, तो मैन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा पाया जाता है, आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मैन ब्लड टिश्यू वेन ब्लड फ्लो डायरेक्टली इन टिश्यूज और चैम्बर्स, दैट्स कॉल्ड लैगुने, जो चैम्बर्स होते हैं उसमें डायरेक्टली ब्लड जो है वो फ्लो करता है, कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम में. इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉकरोच, then in case of cockroach, open type circulatory system is formed. यानी कि cockroach की
जब हम बात कर रहे हैं तो कॉकरोच में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो इस बिहाफ पे भी ऑर्गेनिज्म यानी कि जो एनिमल्स हैं उनको अलग अलग आपके क्लासेस में फाइलम में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, बिकॉज किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमने प्रेजेंट किया। आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द सिमेट्री, बिकॉज ऑन द बिहाफ ऑफ सिमेट्री एनिमल ऑल्सो क्लासिफाई। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिमेट्री, सिमेट्री क्या है, when we talk about the symmetry, then symmetry are three types. First, a symmetrical, asymmetrical animal किन्हे बोलते हैं, those animal which cannot divide into equal whole from from any plane, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी एक्सिस से टू इक्वल हॉल में डिवाइड नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल, या फिर ऐसे सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। यानी कि वो एनिमल में कोई भी सिमेट्री नहीं है, ना ही उनमें बाइलेटरल सिमेट्री है और ना ही कौन सी है आपकी रेडियल सिमेट्री है, यानी कि किसी भी एक्सिस से कट करें तो उसको हम दो इक्वल हाल्ट में उस एनिमल को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसे सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, यह सिमेट्री। आफ्टर दैट फिर एक और सिमेट्री होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। एंड वी टॉक अबाउट द रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री इट मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम किसी भी एक्सिस से कट करें वो टू इक्वल हॉल में डिवाइड होते हैं, ऐसे सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। किसी भी एक्सिस से, किसी भी प्लेन से हम उनको कट करें तो वो एनिमल टू इक्वल हाल में ही डिवाइड होगा, ऐसे सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं। आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द बाइलेटरल सिमेट्री, दूसरी नेक्स्ट जो सिमेट्री है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। इट मींस when we cut the any organism from one axis, यानी bilateral symmetry की जब हम बात करें तो bilateral symmetry में किसी भी organism को केवल और केवल एक axis से, एक plane से हम टू इक्वल हाल में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसी symmetry को हम क्या बोलते हैं, bilateral symmetry। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया सिमेट्री के बारे में, ए सिमेट्री इट मींस किसी भी एक्सिस से वो एनिमल टू इक्वल हाल में डिवाइड नहीं होगा, ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, ए सिमेट्री, या फिर ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री इट मींस किसी भी एक्सिस से हम अगर डिवाइड करेंगे तो वो एनिमल टू इक्वल हाल में डिवाइड होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। आफ्टर दैट बाइलेटरल सिमेट्री इट मींस केवल और केवल एक एक एक्सिस से, एक प्लेन से ही वो एनिमल टू इक्वल हाल में डिवाइड हो सकता है, ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। आफ्टर दैट डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये क्या है, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ लेयर। अब डिप्लोब्लास्टिक क्या है, इट मींस दो लेयर केवल, जैसे ये कोई बॉडी की जो आउटर लेयर है इसमें आपकी अगर दो लेयर प्रेजेंट होती है, ये बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, जो
एक्टोडर्म और अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। तो ऐसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें केवल और केवल दो लेयर पाई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रोब्लास्टिक। अब इसमें आउटर लेयर तो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म, और जो इनर लेयर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, मीसो सॉरी एंडोडर्म। आफ्टर दैट अब जब हम फाइब्रोब्लास्टिक की बात करें तो जो भी एनिमल फाइब्रोब्लास्टिक होंगे उनमें आपकी तीन टाइप की लेयर पाई जाती है। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म बोलेंगे। और जो बीच वाली लेयर मिडिल लेयर होगी उसको हम बोले मेसोडर्म, और जो इंटरनल लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। अब ऐसे एनिमल जो फाइब्रोब्लास्टिक होंगे उनमें तीन लेयर पाए जाएंगे, ट्रिपल लेयर होगी उनकी बॉडी। आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, एंडोडर्म। बीच वाली जो लेयर होगी उसे बोलेंगे मेसोडर्म, और जो सबसे इंटरनल लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे, एंडोडर्म। On the behalf of layer, animal are divided into two categories, fibroblastic and retroblastic. After that, when we talk about the cello, what is cello? First of all, we understand what is cello. Cello है क्या? उसके बारे में सबसे पहले समझना जरूरी है। तो when we talk about the coelom, coelom है क्या? The presence of cavity, जो cavity है वो आपके जो body wall और gut wall, यानी कि जो body wall है और जो gut wall है, जैसे for example के लिए ये बीच में क्या है, आपकी gut wall, और ये जो है outer layer, ये क्या है, आपकी बॉडी। अब अगर हम बात करें सीलों की, तो ऐसे एनिमल जिनमें सीलों प्रेजेंट होगा, यानी जिसमें सीलों प्रेजेंट है उसमें आपके आउटर, यानी कि ये जो ये हो गया आपका बॉडी बोन, ये क्या हो गया, बॉडी बोन हो गया, ये क्या हो गया, कट गया। अब ऐसे एनिमल जिसके बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, यानी कि जो बॉडी वॉल है और जो गट वॉल है उसके बीच में ये क्या है, स्पेस प्रेजेंट होता है। ये जो स्पेस प्रेजेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, सीलोम। अब ऐसे एनिमल जिनके बॉडी वॉल और जो गट वॉल है, गट वॉल है इसके बीच में अगर स्पेस प्रेजेंट है, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं, सीलोमेड। ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं, सीलोमेड। यानी कि इनके बीच में यानी कि बॉडी वॉल और जो गट वॉल है उसके बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट। अब वहीं पे ये क्या है, बॉडी, ये आउटर वॉल जो है वो आपकी कौन सी है, बॉडी वॉल, और यहाँ पे मिडल रीजन में क्या है, गट वॉल, इसको हम क्या बोलेंगे, गट वॉल। और ये जो आउटर वॉल है ये क्या है, आपकी बॉडी। अब इसमें बीच बीच में जो रीजन है ये फील्ड है, और कहीं कहीं पे क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। तो ऐसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सीलो, 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 सीलो में, सीलो, सीलो में, यानी कि इसमें सीलो में प्रेजेंट है, बट सीलो में क्या होता है, फॉल सीलो, दिस इज अ नॉट एक्चुअल सीलो, दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ एनिमल व्हिच हैव दैट टाइप ऑफ कैविटी, दैट एनिमल इज कॉल्ड सीलो, सीलो में। और ऐसी सीलों को हम क्या बोलते हैं, सीलो, सीलो। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द ए सीलोमेट। ए सीलोमेट मींस क्या है, ए सीलोमेट, ए सीलोमेट के नाम बोलेंगे, ये आपकी गट वॉल है, सॉरी
ये क्या है आपकी बॉडी वॉल है, आउटर जो लेयर है ये क्या है आपकी बॉडी वॉल, और ये कौन सी है आपकी गट वॉल। बट गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जो ये स्पेस यहाँ प्रेजेंट था गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में, ये क्या है गट वॉल है, गट वॉल और इसके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये क्या है कंप्लीटली फिल्ड है। जैसे एनिमल को हम क्या कहेंगे, ए सिलो एंट। ऑन द बिहाफ ऑफ सिलो एनिमल डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी, ए सिलोमेट, सिलोमेट एंड सिलो। सिलोमेट किन्हें बोलते हैं, जिनमें गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, और इसके बाद आपके सीडो सिलोमेट के नाम बोलते हैं जिनमें बॉडी वॉल और गट रीजन में स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है, कहीं कहीं पे क्या है टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसको सिलोमेट बोलते हैं। आफ्टर दैट जो ए सिलोमेट के नाम बोलते हैं जिनमें कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये था एनिमल का डिवीजन, या एनिमल सीलों के बिहाफ पे भी उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया सीलों में, ए सीलों में एंड सीलों। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन क्या, व्हाट इज सेगमेंटेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट द सेगमेंटेशन इट मींस when animal divided outer from outer region and inner region, dono region se jab animal alag alag chamber mein divide hota hai, sentient hota hai, yani internally bhi divide hai aur kya hai aapka externally bhi divide hai, dono region se divide hai, jaise koi bhi animal hai agar bahar ki taraf se divide hai aur andar ki taraf se दोनों रीजन से डिवाइड है ये एनिमल, तो ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं सेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें अर्थ बॉम में सेगमेंटेशन पाया जाता है, इट मींस उसमें जो बाहर की तरफ राउंड सर्किल दिखते हैं वो इंटरनली भी डिवाइड होता है और एक्सटर्नली भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं सेगमेंटेशन। जब एनिमल क्या दोनों रीजन से क्या होता है आपका डिवाइड। आफ्टर दैट नोटोपॉड नोटोपॉड क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट द नोटोपॉड, नोटोपॉड जो है वो मीसोडर्मली ओरिजिन होती है, मीसोडर्मली ओरिजिन होती है, डर्मली ओरिजिन होती है, यानी कि इसकी जो ओरिजिन होती है मैंने तीन लेयर बताई थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म। तो जो नोटोपॉड की ओरिजिन होती है वो कहाँ से होती है, मीसोडर्म। और जो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो डोर्सल साइड पे, डोर्सल साइड इट मींस बैक साइड, तीन टाइप की साइड होती है आपकी, वेंट्रल साइड इट मींस जो स्टमक वाला साइड है, जो पीट वाला साइड होता है उसे डोर्सल साइड बोलते हैं, और इधर जो शोल्डर वाला साइड होता है उसे बोलते हैं लेटरल साइड। तो ऐसे एनिमल जिनमें ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो मीसोडर्म है, मीसोडर्म लेयर से, यानी कि हमने क्या लिखा यहाँ पे मीसोडर्मली ओरिजिन, तो नोटोपॉड क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो डोर्सल साइड पे बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं नोटोपॉड। आपके जितने भी कॉर्डेट है, जितने भी कॉर्डेट हैं जिनमें मल्टीपुलर कॉलम प्रेजेंट होती है, उनमें ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे सभी में क्या है नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है या फिर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं,
क्लॉडेड, और जिनमें ये अपसेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन क्लॉडेड या फिर नॉन क्लॉडेड। आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, अब एनिमल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बिहाफ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल दे आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस ऑल द फाइलम वन बाय वन। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई